जियो फ़ोन का जो टॉप मॉडल है वो कुछ इस तरीके का आता है, जिसमें आपको फ्रंट और बैक में कुछ इस तरीके से दिखता है, ब्लैक कलर में आता है गाइस ये। और एक जो टॉप मॉडल जो पहले का जो आता है 320B मॉडल नंबर है उसका, जो इसका स्पीकर साइड में दिया हुआ है और इसका जो कैमरा है वो भी बहुत ही बेहतरीन, वीडियो कॉलिंग HD वॉइस कॉलिंग के साथ में आप इसमें कर सकते हो गाइस। ठीक है, ये वाला जो है बहुत ही बेहतरीन है, इसमें HD वॉइस कॉल के साथ वीडियो कॉलिंग हो जाएगी जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सबसे टॉप मॉडल आता है और गाइस ये बिल्कुल ही सस्ता आता है, इसमें ऑफर भी चलता है, एक साल का रिचार्ज आपको इसमें फ्री में मिलता है। अगर चाहो तो आप ये वाला ले सकते हो। इसकी फुल वीडियो देखने के लिए आगे स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है गाइस, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जियो फ़ोन को लेके। तो जो जियो का फ़ोन है जिसमें एक साल का रिचार्ज फ्री में आता है और एक आता है दो साल का रिचार्ज फ्री, तो वो फ़ोन के साथ ही आता है। तो गाइस उनको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन से फ़ोन में जो एक साल का रिचार्ज आता है फ्री और दो साल का आता है। तो हमारे पास इस समय है तीन मॉडल, तो जैसे कि ये वाला मॉडल है F90M, इस वाला ये फ़ोन है एक, और एक है हमारे पास F220B, तो एक ये वाला फ़ोन है और एक ये है जिसका मॉडल नंबर F320B इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि कौन से वाले में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए वो इसको लेके आए कि किसी में व्हाट्सअप चलता है, किसी में नहीं चलता है, मेन क्या है उसे वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सअप, फेसबुक। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कौन से फ़ोन में एक साल का रिचार्ज मिलेगा, दो साल का मिलेगा, और चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ऑनलाइन में फ़्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे बहुत सारे मॉडल पुराने भी आ रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, उसमें आपको ध्यान से रखना है कि कौन से वाले फ़ोन में एक साल का रिचार्ज मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा, और व्हाट्सअप किस में चलेगा, फेसबुक किस में चलेगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है, वो मैं इसमें आपको बता दूंगा। तो आपको वही मॉडल उसमें सर्च करके लेना है और अन्यथा कोई मत लेना। इसमें क्या कुछ फीचर्स चलते हैं, वोल्टी है और यूट्यूब वगैरह आप इसमें चला सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद में आप उसको सजेस्ट करना है कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं। तो मैं आपको एक बार पूरे तरीके से क्लियर करा दूं कि कौन से फ़ोन में सबसे अच्छा जो फीचर्स फंक्शन है और जिसमें यूट्यूब व्हाट्सअप सारा कुछ चलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और हमारे चैनल पर गाइस अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए गाइस शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसमें सबसे अच्छा कौन सा मॉडल है, ये हम आपको जानकारी डिटेल से देते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैंने अभी तीनों फ़ोनों को फ्रेम में लगा लिया है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाले मोबाइल को पहले ऑन कर देते हैं, आपको डिटेल से बताएंगे क्योंकि इसमें क्या कुछ चलता है, क्योंकि कुछ जो फीचर्स है जो वोल्टी सिस्टम को लेके होते हैं तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं इसमें एक बार बैटरी लगा लेता हूँ, फिर इसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने इसकी बैटरी लगा दी है और इसको एक बार ऑन कर देते हैं। तो गाइस इसको मैंने अभी ऑन कर दिया है और ये देखो इसमें बैटरी मैंने लगा दी है। तो ये जो मॉडल है ये वाला है F90M, ये वाला जो मोबाइल मैंने अभी ऑन किया है। एक हमारे पास जो दूसरा मोबाइल है वो इस तरीके का है, जैसे कि ये है F220B ये वाला। तो गाइस इसको भी देख लेते हैं, और इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से वाले फ़ोन में मतलब एक साल का रिचार्ज आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो तीनों मोबाइल अभी मैंने ओपन कर दिए एक बार, और मैं आपको एक बार डिटेल से बताता हूँ कि कौन से वाले मोबाइल, जब तक ये वाला मोबाइल ऑन हो जाएगा इसके मैं कुछ फीचर्स हैं जो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मोबाइल है सबसे न्यू वाला मॉडल है, इसमें आपको एक साल का रिचार्ज आपको फ्री में मिलेगा। ये जो मोबाइल है इसमें जो फ़ीचर्स के फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत कुछ फ़ीचर्स हैं, जैसे 512 की रैम है और 4GB इंटरनल मेमोरी कार्ड है, इसमें 1500mAh की गाइस बैटरी लगी हुई है। और इसमें जो मैं बताऊँ आपको मेन फीचर्स जो मेरे को कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, वो जो यूट्यूब अब गाइस इसमें चलेगा, फेसबुक इसमें चलेगा और व्हाट्सअप इसमें चलेगा, वीडियो कॉलिंग इसमें चलेगा। तो गाइस ये मैं इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे गए, तो ये चार चीज़ें मैंने जो वीडियो कॉलिंग को लेकर बताई हैं वो सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। और बाकी जियो सिनेमा 450 TV चैनल चलेंगे, 6000 प्लस मूवी इसमें जियो सिनेमा पर देख सकते हो आप। बाकी जियो ऐप है, जियो स्टोर है प्ले स्टोर की जगह पे, और जियो एंजॉय, बहुत सारे म्यूजिक वगैरह, HD वॉइस कॉलिंग, इस तरीके की बहुत सारी इसमें जो सुविधाएं हैं वो इसमें साथ में दी हुई हैं गाइस। ठीक है,
तो आपको मैं क्लियर करा दिया है, इस जो ये मॉडल है ये F320B है और इसमें आपको एक साल का रिचार्ज फ्री में मिलेगा और एक सिम साथ में मिलेगी। तो इसका जो अभी रेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक जो ये मॉडल है 220B, इस वाले में आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस, ये मैं आपको बता दूँ, इसमें फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। और ये वाला इसका ये जो मॉडल है वो मैंने आपको दिखा दिया, उसमें भी बैटरी लगा रखी है। एक ये वाला है, इसमें ये फ़ोन बिल्कुल ही सॉलिड है। इसमें देखो अभी ये चालू हो चुका है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि इसमें व्हाट्सअप चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि लाइव दिखाना था बिल्कुल ही। तो गाइस एक बार दिखा देता हूँ, जियो टीवी, तो आपको पहले देख लेना है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, एक बार कट गया। तो गाइस ये बहुत तेज़ भाग रहा है। तो गाइस मैं आपको दिखाऊँ जियो स्टोर, जैसे कि प्ले स्टोर होता है तो इसमें लिखा है जियो स्टोर। तो एक तो ये हो गया, आपको प्ले स्टोर की ज़रूरत नहीं है, जियो स्टोर में जाओ और वहाँ से सब कुछ आप डाउनलोड करोगे और व्हाट्सअप वगैरह अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हो। एक है जियो टीवी, इसके बाद है यहाँ पे व्हाट्सअप, इसके बाद नीचे आते हैं हल्का सा तो इसमें यूट्यूब, आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। इसके बाद इधर आते हैं और ये फेसबुक। अगर इसमें से कोई चीज़ अनइंस्टॉल हो जाती है तो गाइस आपको क्या करना है, इसमें जियो स्टोर में जाके, ये जियो स्टोर जो बना हुआ है, इसमें जो प्ले स्टोर होता है इसमें जियो स्टोर है, तो गाइस इसमें जाके आप आराम से अपना जो भी है अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियर करा दूँ। इसके बाद में क्या है, ये वाला फ़ोन गाइस 1500 रुपये का आता है, लेकिन इस समय थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है। तो आपको क्या करना है, अगर कहीं फ़ोन आपको, देखो ये मिल भी नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना मिले, कहीं आप ढूंढो और फ़ोन ना मिले, ये मैं आपको क्लियर करा दूं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है मोबाइल ये वाला। तो आपको ना मिले तो बहुत बड़ी बात है, कहीं नहीं भी मिल सकता है। बाकी हम आपको कोशिश ये करते हैं कि अगर आप जियो स्टोर पर जाओगे तो ये मोबाइल अगर आप मांगते हो तो वो आपको ओल्ड में दे देंगे, मतलब न्यू तो नहीं दे पाएंगे, ओल्ड में आपको ज़रूर दे देंगे, क्योंकि ये मोबाइल अब आपको न्यू में शायद नहीं मिलेंगे, आपको ओल्ड में मिल जाएंगे। ओल्ड में वो आपसे ओल्ड वाले पैसे लेंगे और आपको ये वाला मोबाइल मिल जाएगा। वैसे इसमें पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो, बाकी ये 4G फीचर्स फ़ोन है, इसमें आप जियो की सिम आराम से चलाओ और 125 और 91 के रिचार्ज पर आप चला सकते हो, 125 में आपको नेट साथ में मिलेगा। तो गाइस मैंने आपको ये बता दिया है, बाकी इसके जो फीचर्स के बारे में करूँ, इसमें 2000 mAh की बैटरी भी गाइस लगी हुई है, इस वाले में आपको 2000 mAh की बैटरी साथ में आपको मिलेगी, उसमें थी 1500 mAh की बैटरी जो इसके साथ में। ये वाला मॉडल भी अच्छा है, अगर आपको ये मिलता है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, और बाकी ये वाला मॉडल तो आपको मैंने दिखा दिया, ये सबसे बेस्ट मॉडल जो ये वाला है, लेकिन आपको नया नहीं मिलेगा तो गाइस पुराना मिलेगा, इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में देना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर आप मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आपको ये ज़रूर देखना है कि आपको वहाँ पे जो ऑफ़र बताएंगे, एक साल का फ्री रिचार्ज इस वाले मॉडल के साथ में, जो एक साल का रिचार्ज आपको मिलता है, इसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे हो सकता है कि आपको वो एक साल का रिचार्ज जो दिखाएं और फ़ोन आपको कोई ओल्ड वाला दे दें। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि अगर ओल्ड वाला दे दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक साल का रिचार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है गाइस, इस चीज़ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, और बाकी हमारे चैनल पर जो भी अगर चीज़ आप पूछ सकते हो तो पूछ सकते हो, बाकी अगर जानकारी अच्छी लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक भी कर लेना, और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।